आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज दीनदयाल अस्पताल में मौजूद रहे और उन्होंने कोविड-19 मरीजों का हालचाल जाना। इसी के साथ ओमिक्रोन को लेकर सतर्क रहने की भी बात कही। सीएम योगी ने जानकारी देते हुए कहा कि ओमिक्रोन की दस्तक काफी खतरनाक साबित हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम जनता को भी इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौजूदा हालातों पर लगातार सभी जिलों का दौरा किया जा रहा है और देश के सभी नागरिकों से ये अपील की जा रही है कि सभी अपना ध्यान रखें और मास्क का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आज भी मैं हर जनपद का दौरा कर रहा हूं। कोविड प्रबंधन के लिए शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर जो व्यवस्था की गई है उसकी स्वयं समीक्षा कर रहा हूं और फिर जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसके लिए उस प्रकार के इंतजाम करके उस प्रकार का निर्देश जारी करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक जो परिणाम आए हैं मैं उससे कह सकता हूं कि थर्ड वेव खतरनाक नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी जरूर मांगती है क्योंकि इसमें संक्रमण तीव्र है। सेकेंड वेव की तर्ज पर यह लंग्स को सीधे प्रभावित नहीं कर रहा है, हाँ थ्रोट को और वायरल फीवर के रूप में जो भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ रहा है अगर उसमें लक्षण है तो फीवर की स्थिति रहती है। तीसरे से पांचवें दिन व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, जबकि सेकेंड वेव में 15 से दिन से लेकर के एक महीने का समय लग रहा था। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर मतदाता जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पहले की सरकारों में जमकर दंगे होते थे, महीनों महीने कर्फ्यू रहता था और आज ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर कांवड़ यात्रा होती है, जेवर में एयरपोर्ट बनाया गया है, सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, अलीगढ़ में महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है और बुलंदशहर में कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। चाहे वह केराना हो, मुजफ्फरनगर हो, बुलंदशहर हो, सियाना हो, लोनी हो या फिर सहारनपुर का वह दंगाई जिसने सिखों के खिलाफ 2014 में दंगा भड़काया था, इन सबको समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाने का। दूसरी सूची भी आप देखेंगे ऐसा लगता ही नहीं कि समाजवादी पार्टी की सूची है या किसी ऐसे देश के अंदर चल रहे चुनाव में। आप देख लीजिए दूसरी सूची भी उनकी कैसी है, यानी वो प्रदेश के बारे में उनकी विघटनकारी और दंगाई और अराजकता की उस सोच को प्रदर्शित करने वाली है जिसमें विकास नहीं बल्कि विनाश है, जिसमें शांति और सौहार्द नहीं बल्कि अराजकता और उदंडता है, जिसमें पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने की एक दुर्भिसंधि दिखती है। लेकिन प्रदेश की जनता जनार्दन ने ये वंशवादी, परिवारवादी, जातिवादी और विघटनकारी नकारात्मक ताकतों को 2014, 2017, 2019 में अपने वोट की कीमत से सबक सिखाया था। वहीं अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मुख्यमंत्री के ताज को पहनने के लिए बेकरार नजर आ रही हैं, जिसको लेकर कस्बा बेसक में सपा नेता और पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया है।
नुक्कड़ सभा के दौरान पूर्व सांसद विजय सिंह ने सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी को बेईमान बताया। भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपना पूरा काम कर लिया है, लेकिन विपक्ष के लिए सभी तरह के कानून लागू कर दिए हैं। यही कारण है कि अब चुनावी सभा की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। नेताजी, किस तरह की यहाँ पे आज सभा हुई है? देखिए, सभा तो नहीं थी, क्योंकि सभाओं की परमिशन तो मोदी जी योगी जी ने बेईमानी के तहत बंद कर दिया। अपना काम पहले कर लिया है पूरे प्रदेश में। वो कानून केवल हमारे लिए है, विपक्षियों के लिए वो अपने लिए कानून नहीं है। इसलिए आज हमारा प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी साहब के और माननीय अखिलेश यादव जी का जो प्रत्याशी है यहाँ लोकदल वाले बीरपाल दिवाकर जी संपर्क करने आए थे। नेताजी, यहाँ आप पहले भी MLA रह चुके हैं, जब आपने बहुत विकास कराया था, अब जो धनीधर सरोवर है वो अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है, उसका कुछ हो पाएगा कि नहीं? दुर्भाग्य है देश का, लोग हिंदुत्व के बड़े कले फाट फाट के दुहाई देते हैं, और जो आस्थाओं की निशानी है यहाँ करोड़ों लोगों की, पौराणिक ग्रंथों में भी उसका उल्लेख आया है श्री राम के जमाने में, और धरनीधर के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके अध्यक्ष, उनके नेतागण 2 रुपए भी विकास के लिए न दे सके, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? सही सही है। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं आज आपके बीच में, बेशमा पर गेहूं कटवा कटवा के हरे मेरे पे जिगर बनवाया चिंता। अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ अयोध्या में भाजपा प्रत्याशी को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गोरखपुर सदर सीट से उनको प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद अब अन्य नाम भी सुर्खियों में चल रहे हैं, जिसमें हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, महापौर और ट्रस्ट के अध्यक्ष राजा विमलेंद्र के नामों की अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज है। राम मंदिर निर्माण को लेकर के उत्साहित राम भक्त संत महंत और अयोध्या के अधिकांश लोग किसी राम भक्त को ही चुनाव लड़ने की बातें करते नजर आ रहे हैं। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है, और अयोध्या में विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, और हमारे विनय कटियार जी जो है अयोध्या से, इनको टिकट मिलना चाहिए, और अगर टिकट इनको मिलता है तो अयोध्या का विकास भी होगा, क्योंकि जो भी टाइम जो है अयोध्या में गुजारते हैं वो विनय कटियार जी जो है यहाँ रहते हैं, गुजारते हैं, और उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं, चाहे साधु संत में हो चाहे गृहस्थ में हो। तो अयोध्या से चुनाव विनय कटियार जी जो है लड़े, क्योंकि मुसलमान भी चाहता है कि विनय कटियार ऐसा नेता होना चाहिए जो फायर ब्रिगेड हो, और उसके बाद में अंतर राष्ट्रीय स्तर का नेता होना चाहिए। तो वो चीज जो है विनय कटियार जी में है, और विनय कटियार जी चुनाव लड़ेंगे तो हिंदू मुसलमान भी उनका सहयोग करेगा। देखिए, अगर योगी जी गोरखपुर चले गए हैं तो कटियार जी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका मैं बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के आंदोलन के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है, और राम मंदिर आज खड़ा हो रहा है तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा कि अगर कटियार जी चुनाव यहाँ से लड़ते हैं तो ये बहुत ही उत्तम विषय रहेगा और अयोध्या के लिए एक बहुत महान कार्य होगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं एक निष्पक्ष पक्ष रखना चाहता हूँ। माननीय श्री विनय कटियार जी ने जो किया है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसलिए योगी जी के बाद में अगर कोई चेहरा है तो वो माननीय विनय कटियार जी हैं। इसलिए अगर विनय कटियार जी को पार्टी यहाँ अयोध्या से टिकट दे तो हम साधु संतों को प्रसन्नता होगी, और हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि माननीय विनय कटियार जी को अयोध्या से टिकट मिलना चाहिए। चुनावी माहौल गर्म है, बयानबाजियों का दौर भी तेज हो चला है। जनता की अदालत में नेताओं की अग्नि परीक्षा का वक्त आ गया है। भाजपा के दूसरी प्रत्याशियों की लिस्ट में कांग्रेस से 2 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा था। ऐसे में कांग्रेस के बागी विधायक और भाजपा का दामन थामने वाले हरचंद्रपुर विधानसभा प्रत्याशी राकेश सिंह से प्राइम टीवी जिला संवाददाता ने खास बातचीत की।
और आपको बता दें कि रायबरेली से जो है वो कांग्रेस के दोनों बागी उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरचंदपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश सिंह जी हैं। इनके बारे में एक चीज़ और बता दें, मुख्यमंत्री ने मंच से इनके बारे में कहा था कि ये राम भक्त हैं, और एक चीज़ इनके बारे में सबसे कि जब से विधायक बने हैं लगातार 5 सालों तक इनकी विधानसभा में रामचरितमानस का पाठ लगातार होता रहा है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इनकी घोषणा हुई है, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। सर पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। और किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? अब मैं एक तो विकास के नाम पर लड़ रहा हूँ जो मैंने स्वयं किया है, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नीतियाँ हैं जिसके कारण सभी समाज के लोगों को लाभ मिल रहा है, एक वो दो आधार रहेंगे मेरे चुनाव लड़ने में। सर स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है वो भाजपा छोड़ के जा चुके हैं, और भी कई कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़े नेता डिप्टी सीएम के रूप में 5 साल काम कर रहे हैं, और इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे और सांसद भी रहे। केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में हैं, और मुझे जो लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी दोनों लोगों को में कोई ऐसा अंतर नहीं है, दोनों लोग एक ही समाज के हैं, और अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य जी उनसे बड़े नेता हैं उस समाज के, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के इसकी कोई असर नहीं पड़ेगा इससे। विधायक जी जब आप कांग्रेस में थे तब भी आप मुखर होके बोलते थे जो गलत चीज़ें होती थी, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, तो भारतीय जनता पार्टी में जो आपकी आस्था थी ये कैसे पनपी या किन विचारधारा के तहत आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? मुझे चूंकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ और हिंदू में रहूँगा, तो मेरा ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व वाली पार्टी है और हिंदू के साथ साथ तो सभी को लेकर के साथ में चल रही है, लेकिन अन्य पार्टियों में ऐसा होता था कि वो सिर्फ जो है जो 14% 15% लोग हैं उन्हीं पर आस्था रखते थे और उन्हीं के लिए काम करते थे, इसलिए उनसे 85% लोग नाराज रहते थे। हम लोगों को मैनेज करने में बड़ी कठिनाइयां होती थी उस पार्टी में रहने के बाद। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूं, तो मुझे उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो अपने लोगों के बीच में बैठ करके सुनना पड़ता था। विधायक जी आप किससे चुनौती मांग रहे हैं अपनी विधानसभा में कि किससे आपकी लड़ाई होगी? कोई नहीं है हमारी विधानसभा में, कोई चुनौती है ही नहीं किसी से, ना कोई हमारे आसपास है कोई, मैं चाहे अगर कोई भी लड़ ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चुनाव तो जीतना है लेकिन हम चाह रहे हैं लीड कितनी हो जाए। मेरा वो है कि लक्ष्य है कि 1 लाख कम से कम वोटों से मैं जीतूं इस बार, ये लीड हमारी जो लक्ष्य है। और आपको बता देंगे वहीं बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे और संक्रमण से निपटने के लिए उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने कार्यक्रम स्थल पर हंगामा काटना शुरू कर दिया। महिलाओं की मांग थी कि उनके पति लंबे समय से कोविड में काम कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई। हमारे हस्बैंड केस चल रहा है इनका, काफी मतलब काफी टाइम हो गया और हमें 3 साल में ड्यूटी कर रहे हैं, कोविड का पूरा टाइम निकल गया, 2-3 साल हो गए कोविड को और अभी तक सैलरी का कोई हिसाब नहीं है, सैलरी नहीं देते हैं बिल्कुल भी। अब बताइए हम अपने बच्चों का और अपने घर का कैसा करें? केस चल रहा है। अब तक केस कब तक चलेगा? हमें 14-15 साल हो गई, सैलरी को 3-3.5 साल से ऊपर हो गया। क्या मांगे हैं? बस कम से कम तनख्वाह भी मिलनी चाहिए और कोई कुछ हमारा होना भी तो चाहिए। ना कोई पोस्ट दे रहा है ना कुछ दे रहा है, यहाँ से वो कर देते हैं, कोर्ट देगा। अब बताइए कोर्ट का कब तक मैटर है? यहाँ पर जो ना हम उनको लेटर देने आए थे। किसको लेटर देने आए? योगी जी के लिए। अच्छा आज आए हुए हैं वो? आए हुए, हमने सुना था कि आए हुए हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे और 3 साल से ये लोग हमको तनख्वाह भी नहीं दे रहे और हमारे बच्चे भी परेशान है, वो रोज बेचारे भूखे प्यासे मरे जाते हैं, झाड़ू की नौकरी करते हैं, आज तक इन्होंने नौकरी परमानेंट नहीं की, पूरे जीवन निकल गया उस आदमी का यहाँ झाड़ू की नौकरी करते करते। कब से नौकरी कर रहे हैं? 20 साल हो गई इनको करते करते। कब से तनख्वाह मिली? 3 साल हो गई। ऐसे कह देते हैं कि यहाँ से निकाल और दिया, नहीं ड्यूटी करने दे रहे, नहीं कुछ भी करने देते। अगर तनख्वाह मांगते तो क्या? 14 आदमी है ये लोग सब जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। तनख्वाह मांगते तो क्या कहते हैं ये? ये मना करते हैं कि यहाँ पे कोई यहाँ कोई नौकरी नहीं है आपके लिए, जाओ यहाँ से।
आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अगले माह होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने जनपद सीमा छिवली गांव स्थित बने चेक पोस्ट में पहुंचकर जायजा लिया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आचार संहिता का पालन कराते हुए सभी गाड़ियों को रोककर सघनता के साथ चेकिंग की जाए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक के अलावा एडिशनल SP राजेश कुमार सिंह सहित समस्त पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं सिद्धार्थनगर में कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कपिल वस्तु विधानसभा के प्रेक्षक और छत्तीसगढ़ के विधायक और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मोहित राम शामिल हुए। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के युवा घोषणा पत्र जारी करते हुए इसके बारे में जानकारी दी गई है। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रियंका एवं राहुल यह घोषणा पत्र वर्षों से जो डिग्रियां लेकर बेरोजगार साथी हैं उनके लिए इस घोषणा पत्र को जारी किया गया है। जनता आप चाहती है कि महंगाई पे मुद्दे बात हो, जनता चाहती है सुरक्षा के मुद्दे बात हो, जनता चाहती है बेरोजगारी के मुद्दे बात हो, तो हमारा जो घोषणा पत्र है वो इन्हीं के इर्द गिर्द है। हम बात करते हैं किस तरीके से लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हम बात करते हैं किस तरह से महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, उसके लिए लड़की और लड़ सकती को हम लोग कैंपेन है जिसमें उनको प्रॉपर भागीदारी दी जा रही है। हम बात करते हैं कि समाज में सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, आरक्षण व्यवस्था कैसे लोगों को सुदृढ़ होगी जिससे लोगों को बराबरी का अधिकार मिल सके। तो निश्चित तौर पर जनता की जो अंदर की मांग है, जो त्रस्त हो चुकी है एकदम से, घर 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 में ये स्थिति है कि आप सिलेंडर अभी कल ही के लिया गया, 1,025 रुपये में मुझे ही सिलेंडर मिला। मान लीजिए मैं उसके लिए सामर्थ्यवान हूँ, लेकिन आप जो उज्ज्वला योजना के द्वारा जो गांव में सिलेंडर गए थे, क्या कोई भरवा पा रहा है? कोई नहीं भरवा पा रहा है। रोजगार की स्थिति ये है कि आप देख लीजिए जितने सारे बच्चे हैं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उसके बाद रोजगार की स्थिति आप लखनऊ में लेके आए दिन धरना होता है, पुलिस लोग पीटने लगते हैं, तो आखिर वो बच्चे जाएंगे कहाँ, किसको वोट करेंगे? वो कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। और वो महिलाएं जो घर में लगातार उनको एक झांसा दिया गया कि नहीं हम तुमको सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे, आज फिर से लकड़ी पे आ गई, किसके साथ जुड़ेंगी? वो कांग्रेस के साथ जुड़ेंगी। तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि युवा और महिलाएं कांग्रेस साथ एकदम डट के खड़ी हुई हैं, आने वाले समय कांग्रेस का है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। युवाओं के लिए विशेष करके अपना भर्ती विधान का जो आज घोषणा जारी किया गया है, निश्चित रूप से हमारे देश के नौजवानों के लिए, एक परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपना शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया हुआ उसका लाभ उसको मिलेगा। और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की सोच जो है हमेशा सदैव हर वर्ग के लिए सोच अपनी दिल से रखती है, और आज ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज हम माना जा रहा है कि निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार अपनी बहुत बहुत भारी बहुमत से खड़ा करेगी विधायक और सरकार भी बनाएगी। वहीं गाजीपुर में SP सिटी गोपीनाथ सोनी नेबस सैदपुर कोतवाली का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पर टाउन नेशनल स्कूल और नॉर्मल स्कूल में बने मतदान केंद्र और उसके आसपास मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने व अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित भी किया गया। आज मेरे द्वारा कोतवाली सैदपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, उसमें अभिलेखों का चेक किया गया, मिस बैरेक और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं मालखाने का निरीक्षण किया गया, कुछ कमियां परिलक्षित हुई है, उस संदर्भ में प्रभारी निरीक्षक को दिशा निर्देश दिया गया है। और चुनाव के मद्देनज़र मेरे द्वारा 3 से अधिक बूथों पर का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें आपका डाइट में 6 बूथ का है वहाँ का निरीक्षण किया गया, कुछ अन्य बूथ का भी निरीक्षण किया गया, और उस संदर्भ में CO सैदपुर और कोतवाल सैदपुर को दिशा निर्देश दिया गया है कि सभी बूथों का भ्रमण करें और उससे संबंधित जो अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो भी की जाए। अगली खबर रायबरेली से है, जहां एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं रायबरेली के सदर विधानसभा में आज भी सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में डालकर मौत के पुल से गुजरने पर मजबूर है। रायबरेली को VIP जिला कहा जाता है, लेकिन सोनिया गांधी का ये संसदीय क्षेत्र भी है। सोनिया गांधी लगातार 5वीं बार यहां से सांसद भी रही, वहीं लोगों ने कई बार इसकी शिकायत सांसद से भी की है, लेकिन गाँव की जनता को मिले हुए सिर्फ खोखले वादे ही है, जिस पर परसों से लकड़ी पर पुल से लोग आने को मजबूर हैं, उससे रायबरेली के विकास के बारे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं।
तो कोई जनप्रतिनिधि या कोई नेता या जिला प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी क्या कारण है कि ध्यान नहीं दे रहा है? ध्यान क्या, जब चुनाव आता है तो ध्यान देते हैं, कहते हैं इसका काम हो जाएगा, पुल बन जाएगा, लेकिन जब ये चुनाव खत्म हो जाता है तो इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, बस यही सी बात है। तो क्या अब की बार आप लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं या किसी ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे जो कि आपकी समस्याओं का निस्तारण करे? ये हम तो उसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, हमेशा से चुने चले आ रहे हैं, माननीय विधायक जी को, अखिलेश सिंह जी को आश्वासन देते हैं कि बन जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं। तो नेताओं क्या ये जो आश्वासन चल रहा है, हमारे साथ कुछ और साथी है, ये पुल आप देखिए, ये जरा सा अगर जो आप चूक जाइए तो निश्चित ही जो है आप की जान को भी खतरा हो सकता है। और भी कई यहाँ पर ग्रामीण हैं, आइए जानते हैं कि इस पुल से वो लोग प्रतिदिन सफर करते हैं और कैसा जीवन जीते हैं। क्या नाम है आपका? जी आदर्श यादव। आदर्श जी, ये जो पुल बना हुआ है इसको मौत का पुल कहा जाए भी तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मौत का पुल कह दिया जाए कोई गलत नहीं है। तो इसकी शिकायत या इसका कहीं पे आप लोगों ने धरना प्रदर्शन ऐसा कुछ किया है पुल बनने के लिए? जी, इसका बहुत प्रचंड यहाँ पे वोट बहिष्कार एक बार कर चुके हैं हमारे जो वर्तमान प्रधान हैं, ये जब राहुल गांधी सत्ता में थे तो उनको हाथ में लेटर भी दे चुके हैं, और अदिति सिंह आ चुकी हैं कई बार, 50 बार, 30 साल पहले, 30 साल से इनकी कांग्रेस में जो अदिति सिंह तो कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा इसी तरह बह रहे हैं जैसे ये बह रहा है, इसी तरह गंगा बह रही है। और यहाँ पे अखिलेश सिंह जी आए हैं, फोटो खिंचवा के गए बीच पुल पे, लेकिन उनके भी मानक में नहीं था, ना अदिति सिंह जी के मानक में है। तो ये वर्तमान विधायक से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? जी, वर्तमान विधायक से किसी भी प्रकार संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो विकास है यही पुल है, और क्योंकि हाईवे से जोड़ रहा है यही। तो कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक को लेकर भी इन लोगों के प्रति नाराजगी है, चूँकि झूठे वादे कहीं ना कहीं इस गाँव के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। हमारे साथ एक और ये ग्रामीण बच्चा है, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। बेटा क्या नाम है आपका? प्रमोद पाल। प्रमोद जी, ये जो पुल बना हुआ है इसके बारे में नेताओं ने क्या आश्वासन दिया है या क्या मांग है आपकी? हमारी तो मांग है पुल बनवाया जाए, मगर बनवाया जा ही नहीं रहा है। ऐसे जाते हैं हम लोग पढ़ने भी, कई एक बार गाड़ी भी लेकर आदमी लोग गिर चुके हैं, हम तो साइकिल से भी गिर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई होती है? कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो क्या आपकी बार वोट का बहिष्कार करेंगे? और क्या, वोट का बहिष्कार होगा। वोट का बहिष्कार करने का मन बना रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं, पूर्व प्रधान जी भी हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना। क्या नाम है दादा? मनसाराम। मनसाराम जी, ये जो पुल बना हुआ है तो नेता सिर्फ आश्वासन देते हैं, अब बनवा देंगे, अब की बनवा देंगे, पूरी सरकार उनकी प्रक्रिया में रही, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत, सब कुछ रहा उनके, कहीं बनवा देंगे बनवाए, आज तक नहीं बनवाए, आते जाते हैं, सब जनता आती जाती, कत्ते एक्सीडेंट हो गए, इसमें तमाम आदमी परेशान हो गए, हाथ पैर टूट गए। तो वर्तमान विधायक जो है अदिति सिंह, जिनको कल ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो ऐसे में क्या उनका वोट का बहिष्कार करेंगे आप लोग या क्या करेंगे? नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर वोट उनको नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, कारण यही पुल है। हाँ, पुल। अच्छा, अगर ये पुल बनवा दें तो वोट मिलेगी, और जब यहाँ देख के सकल दिखा चले गए उसके बाद कोई यहाँ झांकने नहीं आता। निश्चित कहीं ना कहीं जो है इनको जो है वर्तमान विधायक से भी बहुत ज़्यादा नाराजगी है, चूँकि जब भी वो क्षेत्र में आते हैं झूठे वादे करते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण और हैं, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। एक माता जी भी हैं, उनसे पूछते हैं क्या। माता जी, क्या नाम है आपका? हाँ, दुलारा। माता जी, ये जो पुल बना हुआ है तो क्या कहना, पुल के बारे में नेता क्या वादे करते हैं? नेता वादा कर कर चले जाते हैं, हम लोग ऐसे बैठे बैठे बारिश में भी हम मर जाते हैं सारे, दवा नहीं मिलती, बीमार हो जाते हैं। तो माता जी ये बताइए, आप जो है कितनी आबादी होगी या कितने गांव प्रभावित होंगे इससे? अरे आबादी अब जौन हुआ है, जौन इसको हमको कहा पढ़ना। अंदाज कितने लोग निकलते हैं यहाँ से? अंदाज तो यही की तो बहुत लोग आपका 10 लाख में नहीं जाए, 10,000। 10,000 आदमी प्रतिदिन इस मौत के पुल पर सफर करता है, लेकिन जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन की उपेक्षाओं का ये शिकार ये गांव। देखना है कि जिला प्रशासन जो है या जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो इस पुल के निर्माण में कोई योगदान देते हैं, निर्माण करवाते हैं, या ग्रामीणों को प्रतिदिन जो है इसी समस्या से दो चार होना पड़ेगा। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी, रायबरेली। वही उन्नाव के धर्मापुर गांव के RKS नर्सिंग एंड फार्मेसी कॉलेज में लखनऊ जंक्शन फिल्म का ट्रेलर अभिनेता राजपाल यादव ने लॉन्च किया।
फिल्म यूपी में अपराध पर अंकुश को लेकर बनाई गई है। फिल्म निर्माता ब्लॉक के ही धर्मापुर निवासी रजन यादव और कास्टिंग डायरेक्टर आर के सोनकर हैं। वहीं राजपाल यादव ने कहा कि ये फिल्म अपराध पर नियंत्रण को लेकर बहुत ही अच्छी बनाई गई है। ट्रेलर देखकर ही हमने इस फिल्म को शुभकामनाएं दे दी और ये फिल्म यूपी में ही नहीं पूरे भारत में बहुत ही लोकप्रिय होगी। बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छे कलाकार हैं और एक अच्छा सब्जेक्ट है, तो एज एन एक्टर क्योंकि सर भाई रजन जी हमारे मित्र हैं तो फिर इन्होंने क्योंकि कोई भी फिल्म बनती है तो उसमें सबों लोगों के घर चलते हैं। अब संदेश तो फिल्म आप इसीलिए तो फिल्म दिखाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट की जा रही है कि सब लोग फिल्म देखें और आशीर्वाद दें सब पूरी टीम को, इसीलिए तो फिल्म होती है तो कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है, बगैर मैसेज को भी कोई फिल्म बनती नहीं। कब तक लॉन्च होगी? लॉन्च तो हो गई, ट्रेलर लॉन्च हो गया है, बस अब रिलीज पे तैयार है, रिलीज की तैयारी कर रहे हैं और 28 जनवरी सर उन्नाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बस उन्नाव की जनता को ढेर सारी